सो दोस्तों संडे यानी कि मिर्च मसाला आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स उसका वक्त जो मैंने मंगवाया था ट्विटर और यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन पर, तो सभी का स्वागत है। करने जा रहे हैं शुरुआत। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। कल मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी ईएमआई और लोन लेकर ट्रेडिंग के ऊपर। उसमें ये क्लियर कर दूं, मैं किसी की स्ट्रेटजी को, किसी के तरीके को ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कर सकते या वो कर सकते हैं, ना मैं किसी को ये कह रहा हूं कि आप करिए या ना करिए। मैं केवल और केवल एक प्रैक्टिकलिटी आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें मुबारक, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक ओवरऑल पिक्चर के लिए जो मुझे प्रैक्टिकलिटी लगी मैंने आपको बताया, तो वो किसी को जो है वो ना मैं काउंटर कर रहा था, ना मैं किसी को जो है किसी की स्ट्रेटेजी को है किसी को डिनाय कर रहा था। आपने वही करना है जो आपको सूट करता है। खैर, अब बारी है क्वेश्चन और आंसर्स की। तो अगर आप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सीधा जो है वक्त ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। प्रशांत कह रहे हैं, मोस्ट अवेटेड थिंग ऑन संडे शान भाई, थैंक यू वेरी मच। आई हैव बजाज कंज्यूमर एट 260, इंजीनियर्स इंडिया एट 72, शुड आई एड देम मोर? वट कैन बी द टारगेट्स इन नेक्स्ट 1 ईयर? एंड सेकेंड पार्ट में बाद में लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, मुझे इस चीज से आपत्ति है, वट कैन बी द टारगेट इन नेक्स्ट 1 ईयर? अब देखिए, आपको इन दोनों स्टॉक्स ने खुद बताया कि उन्होंने एक साल से क्या किया और हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते थे या क्या कर रहे थे। तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का कोई हराइजन नहीं होता। एक स्टॉक रिलायंस जैसा स्टॉक भी जो है 6-7-8 साल, एचयूएल जैसा स्टॉक 6-7-8 साल जो है रेंज बाउंड रह सकता है। आईटीसी क्या कर रहा है इतने सालों से, तो 1-2-3 साल बिल्कुल मत कीजिए। अगर वो करना है तो ट्रेडिंग जो है टेक्निकल्स के ऊपर ही करनी होगी, जहां पर स्टॉप लॉसेस के ऊपर निकलना भी होगा, जहां पर ट्रेंड देखकर जो है चढ़ना भी होगा एंड ऑल दैट। तो आपको जो करना है आपको टेक्निकल्स के ऊपर करना है, अगर आपका होराइजन 1-2-3 साल का है इस तरह का। इसके अलावा क्या इन दोनों स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं? देखिए, अपनी क्षमता की बात है। अब मेरे पास अगर 100 रुपया हो टोटल, और उसमें से जो है मैंने 80 रुपया इन स्टॉक्स पे लगाकर रखा हुआ है और बचा मेरे पास 20, और इसके ऊपर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्यों लगाऊंगा? अगर मेरे पास जो है इन स्टॉक्स को मैंने लेकर रखा हुआ है, लेट्स से एक पार्ट है मेरे पोर्टफोलियो का, और मैं रेगुलर इन्हें ऐड भी कर सकता हूं और मेरे पास और फंड भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्हें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, ब्रांड है, इंजीनियर्स इंडिया की बात करो 4.5% कुछ के तो ऊपर इसका डिविडेंड आता है, और ऊपर से जो है एक फ्यूचरिस्टिक एक बिजनेस है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट है, एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है, और कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत या बहुत बड़ी परेशानी इनमें नहीं है, स्पेशली इंजीनियर्स इंडिया पर। वो आपका एक आउट परफॉर्मर हो सकता है फ्यूचर में। बात वही है, क्योंकि रेट्स नहीं बढ़ा इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। बुरे स्टॉक पर जो है एक अच्छा रेट जस्टिफाई नहीं कर सकता कि स्टॉक अच्छा है, एक अच्छे स्टॉक को जस्टिफाई नहीं कर सकता बुरा रेट। बेसिकली बात यह है, क्योंकि ये चला नहीं है, आपको हो सकता है लगता हो ये स्टॉक अच्छा नहीं है, तो डिविडेंड पेइंग स्टोरी है। मैं डेफिनेटली अभी भी कह रहा हूँ प्राइस वाइज ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, स्पेशली इंजीनियर्स इंडिया, बट इसका ये मतलब नहीं है इनमें कोई दिक्कत है। बजाज कंज्यूमर जो है, एक एग्जाम्पल मैं रफली आपको देता हूँ, लास्ट टाइम जब ये पहली बार हमने इसे इनिशिएट किया था 160-170 पर कोई लेने को तैयार नहीं था, वहां पर भी मैंने इसे अंडरवैल्यूड बताया था और स्टॉक जाता जाता 300 तक चले गया। वहां से जो है इसकी करेक्शन हुई है, वो वापस उन लेवल्स पर आ गया है, बट वैल्यू वहीं पर रहेगी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ बजाज होल्डिंग की। बजाज होल्डिंग एक वक्त पर जो है शायद को लेने को तैयार नहीं था, आई थिंक 3500 के आसपास मैंने ट्विटर पर भी इसका बताया था, और लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था वो 5000 कुछ क्रॉस कर गया था, और यही टारगेट से वो फ्यूचर में और आगे भी जाएगा। आज का प्रेजेंट रेट मुझे नहीं पता है, बट बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो चीज आप ले रहे हैं उस पर कन्विक्शन की जरूरत है, और जब आपके पास डिविडेंड इतना बड़ा आ रहा है तब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर साल जो है अपना पैसा जो है आपको देता रहेगा। आपको ये देखना है कि स्टॉक की पेडिग्री अच्छी है या नहीं या बुरी है, तो ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, और एक साल के टारगेट्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप कह रहे हैं एंड हैव बैंक ऑफ बड़ौदा एट 103, व्हाट शुड आई होल्ड इट, व्हाट कैन बी द टारगेट्स इन नेक्स्ट 6 मंथ? देखिए, फिर वही बात, टारगेट्स नहीं दिया जा सकता। अब आपको क्या पता कि निफ्टी ये 16,000 से 10,000 नहीं होगा, या ये 16,000 से 50,000 नहीं होगा, टारगेट्स इस हिसाब से नहीं होते हैं। और आपकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है मैं बात करता हूँ, अब आपने हालांकि कहा नहीं है, बट एक ओवरऑल पिक्चर जो है मैं डेफिनेटली देना चाहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब बैंक ऑफ बड़ौदा एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है,
जो अपना बेस ही नहीं तोड़ रहा है, और जब तक ये 85, 80, 90 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मार्केट अच्छी हो तो ये 120 भी तोड़ेगा और 140, 150 तक पहुंच सकता है। इतना स्ट्रांग पैडिग्री स्टॉक ही ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप रख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस चाहिए 85 क्लोजिंग बेसिस पर, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये 1 साल, 6 महीना या कुछ ऐसे जो भी टाइम होराइजन करना है, तो आप टेक्निकल्स के ऊपर ही जाइए। आप जो है रफली ऐसे स्टॉक्स मत लीजिए। स्टॉक मार्केट, मैंने आपको एक बार एक वीडियो भी बनाकर दी थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे वर्ल्ड मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट, उसमें जापान की मार्केट थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, कौन सी मार्केट थी, वो कितने सालों तक जो है अपने टॉप्स नहीं तोड़े, ऐसा भी हुआ है। तो आपकी मार्केट ने कोई अमृत नहीं पिया है, डॉलर टर्म्स में वो कहीं नहीं गई है इतने सालों में, ये बिलीव कीजिए। आपको केवल और केवल जो है, क्योंकि इंडिया स्टोरी है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, अच्छा लगता है, हम भी भारतीय हैं, जय हिंद, हम भी जो है प्राउड फील करते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम आंखें बंद कर कर जो है काम करें। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये मार्केट आपको तरसा भी सकती है, और यही वो रीजन है जब आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन याद आती है, आपको वैल्यूज याद आती हैं, आपको सही पी याद आती है, सब कुछ तब याद आता है जब वीक मार्केट्स बुरी मार्केट्स हों, ये ध्यान रखिए। बाकी अपने हिसाब से जरूर कीजिए, टेक्निकल्स का सहारा जरूर लीजिए। बालकृष्ण कह रहे हैं, होल्डिंग एल्केम लैब्स शेयर सिंस आईपीओ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शुड आई होल्ड मोर फॉर 3 to 5 ईयर्स? देखिए, इसके ऊपर मैं आपको जो है व्यू नहीं दे सकता। एल्केम लैब मैं पर्सनली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट आप अगर लॉन्ग टर्म इतना होल्ड कर कर बैठे हैं, आई एम श्योर आप प्रॉफिट में भी होंगे एंड ऑल दैट। तो अगर मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ और इतना लॉन्ग टर्म, देखिए मैं लॉन्ग टर्म एनिमल नहीं हूँ, मेरे पास कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं जो मैं इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता हूँ, बट उनके ऊपर एक स्टोरी होती है। एल्केम लैब, अगर आप इस बिजनेस को, इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो आप अपनी कॉल लीजिए। मैं अगर इसके ऊपर कॉल लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का नहीं पता और इस स्टॉक का नहीं पता। लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल होते हैं मैं आपको साथ के साथ बता सकता था, बट ये लॉन्ग टर्म है और आपने होल्ड इतना सारा किया हुआ है, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। सम्राज कह रहे हैं, मोस्ट रिटेलर्स थिंकिंग दैट डेंजर इज ओवर एंड बॉटम इज मेड एंड जंपिंग इन टू बाय बाय इज बॉटम मेड। ये पूछ रहे हैं बेसिकली, क्या बॉटम मेड हो चुका है एंड एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग अंटिल 16th of March। देखिए, दो तीन चीजें समझिए। एक तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें लग रहा है कि बॉटम मेड हो चुका है एंड दे आर जंपिंग। मुझे नहीं लगता दे आर जंपिंग, मुझे लगता है लोग अभी भी डरे हुए हैं और आधा टाइम उन्हें विश्वास भी नहीं होगा ये मार्केट जब भाग जाएगी। नंबर दो, आप अगर कुछ नहीं करना चाहते 16 मार्च तक, पहले तो ये 16 मार्च का क्राइटेरिया आपका जो भी है, मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करता हूँ, बट 16 मार्च, देखिए दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। मार्केट से फुल्ली आउट होकर आप नहीं सस्टेन कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप इवन पार्ट टाइम कर रहे हैं और आपका कोई नॉर्मल पैसा भी नहीं लगा हुआ मार्केट में, ये हरकतें सिर्फ वो कर सकते हैं जिन्हें कुछ लेना देना ही नहीं मार्केट में। जो मार्केट में एक सब्सटेंशियल या एक कुछ भी मतलब एक रीजनेबल काम करते हैं मार्केट में, मुझे नहीं लगता वो जो है इतना वक्त जो है सस्टेन कर भी सकते हैं। उन्हें वैसे ही, अगर ट्रेडर है वो तो वैसे ही नहीं दूर रह सकता, इवन इन्वेस्टर भी ऐसा नहीं रह सकता, अनलेस अनटिल आपको जो है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली आपका कुछ पैसा तो डेफिनेटली मार्केट में होना चाहिए। नंबर दो, आपको लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि बॉटम बन गया, वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पर फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल से जो मेरा एक तो ओवरऑल एनालिसिस है, वो मैंने ऑलरेडी जो है मेंबर्स को निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्टर्स कैटेगरी को ऑलरेडी दे दिया है, वहां पर सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, और आने वाली डेली वीडियोस पर हम जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है इस वक्त जैसे हम मार्केट्स को देख रहे हैं, एक सब्सटेंशियल गेन मिल रहा है, बेयर्स जो है उसमें ट्रैप देख रहे हैं फिलहाल के तौर पर, बट अभी भी मार्केट को बहुत अलग क्लाइम करना है बहुत बुलिशनेस होने के लिए। एक रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है और उस रेंज को वो नीचे नीचे ही खिसका रहा है। ये आपको बताता है कि आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट जीत रही है। इन्वेस्टमेंट के लोगों के जो पैसा जहां पर फंसा हुआ है वहां पर नहीं वो मार्केट अभी जाने वाली जल्दबाजी में, तो ये भूल जाइए। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर, आपके हिसाब से, मुझे तो नहीं लग रहा कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कूद कूद कर चल रहे हैं अभी, क्योंकि उन्हें डर, जितना उन्होंने निकालना था उन्होंने निकाल दिया, और जितना उन्होंने लिया हुआ है वो किसी और लेवल पर ही लिया हुआ है, और अभी जो है उनसे इतना नहीं होने वाला। बट स्टिल अगर मैं आपकी मानूं तो ये मार्केट जो है अभी भी कोई बहुत बाहर नहीं जाने वाली है। एक रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है और उस रेंज को निकालने के लिए अच्छा खासा पसीना निकलने वाला है, और मे बी वो रेंज निकले ही ना थ्रू आउट साल या आधा साल ना निकले, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए।
उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप जो अपना पैसा एंड ऑल दैट, देखिए वो आपकी पर्सनल इच्छा है। मैं पर्सनली नहीं मानता कि आप कभी भी बिना पैसा कुछ लगाए। हाँ 10% लगाइए, 20 लगाइए, 30 लगाइए, 40 लगाइए, 50 लगाइए, कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा बिना लगाए मार्केट में आपको रहना ही नहीं चाहिए। इवन बेयर मार्केट में अगर आप पैसा बेयर मार्केट में अगर आप खेल रहे हैं तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली, मैं आपको ये भी बताया सिप का पैसा मैं लगाता हूँ एंड ऑल दैट, वो सब कुछ, तो वो तो पैसा चाहे आज ये मार्च हो, चाहे फेब्रुवरी हो, चाहे जनवरी हो, चाहे दिसंबर हो, वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो दैट मीन्स आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आई एम एंड आई एम कीपिंग इन्वेस्टिंग अपने आप को, तो वो चीज ध्यान रखिए। तो सारा पैसा बाहर निकाल कर नहीं कुछ बनने वाला, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसी को जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। याद करिए 10,000 पर जब मार्केट थी, आई डोंट नो आप में से कितने लोग तब थे एंड ऑल दैट, जब 10,000 पे मार्केट थी ये रीसेंट टाइम में कोरोना वायरस वाले टाइम पर, तब 10 का 11 हुआ, 11 का 12 हुआ, 13 हुआ, वो मार्केट इसलिए चढ़ी उसके बाद क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट था, और फिर शॉर्ट के शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट करते जा रहे थे और वो मार्केट को भगाती जा रही थी। इस वक्त वैसा नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आपका कुछ पैसा तो मार्केट में लगा होना चाहिए, बाकी आपकी आपने पैसा लगाना है या नहीं एंड ऑल दैट वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। डिस्क्लेमर के तौर पर ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बैंक से रिकमेंडेशन नहीं है, करना आपने भाई जो आपको सूट करता है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्विटर पर ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ। सुनील कह रहे हैं थैंक्स फॉर द एफर्ट पाजी, थैंक यू, एंड बाय द वे ये अनएडिटेड होती है मोर लेस वीडियो, तो इसमें कुछ फंबल्स, कुछ गलतियां एंड ऑल दैट होता है, तो उसके लिए माफी पहले ही। होल्डिंग HDFC AMC, एवरेज प्राइस 2650, लॉन्ग टर्म फ्रेश बाइंग करें, टूटने पर दोजा टूटने पर नेक्स्ट बाइंग लेवल। देखिए HDFC AMC एक ऐसा स्टॉक रहा है जो मुझे लगता है अंडर परफॉर्म कहना भी जो है, अब आई डोंट नो, बट इसमें पोटेंशियल तो है, बट स्टॉक नहीं चल रहा है, तो बेस्ट यही है कि इसे एवरेज आउट मत कीजिए। या अगर आपने जैसे 2600 पर लिया है, 2000 पर एक अगर, तो 2000 पर भी ले सकते हैं, 1500 पर भी और 1000 पर भी, इस किस्म का आप जो है सिप का फॉर्म इसमें लगा लीजिए कि हर 500 पॉइंट पर मैं इसे ऐड करूंगा और फिर जो है बंद कर दूंगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, तब तो ठीक है, बट उसके अलावा मत कीजिए। हालांकि HDFC AMC फ्यूचर में आपको डेफिनेटली कुछ गेन डेफिनेटली दिखाएगा और एक अच्छा पैडिग्री का स्टॉक है, बट नहीं चला है तो हमें जो है इससे फाइट नहीं करना है कि तू क्यों नहीं चला है भाई। आप बेसिकली अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 2500 पर, 2000 पर, 1500 पर, 1000 पर, ये सोचकर तभी पैसा लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा, कोई और स्टॉक ढूंढ लीजिए, जबरदस्ती लड़ने का फायदा नहीं है एक स्टॉक के साथ। वासु वर्मा जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर डेली वीडियोस एंड योर स्पॉट ऑन एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, आई हैव टेकन ICICI बैंक एट 719, अप्रैल फ्यूचर, नीड योर ओपिनियन। देखिए अब मेरी ओपिनियन तो चार्ट्स के ऊपर जो है ICICI बैंक के ऊपर होगी, आपके रेट्स के ऊपर नहीं होगी कोई ओपिनियन फिलहाल के तौर पर, बट आई अप्रिशिएट आपने जो है सही टाइम पर जो है ओपिनियन और रेट्स वगैरह पूछा है, तो रिवर्सल कंफर्मेशन है, आप अपनी बाइंग का, ये रीसेंट जो है 700 के आसपास का ही जो है रिवर्सल हुआ है, तो आप अपनी बाइंग का, 200 DMA भी 718 के ऊपर फॉल करता है और आपने 719 पर लिया है, तो आप अपनी बाइंग का जो है क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंट्राडे स्टॉप लॉस आप जो है 700 के हिसाब से लगा सकते हैं, वही इसका रीसेंट लो है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ये स्टॉक आपको जो है इवन तकरीबन तकरीबन 10% की मूव भी दे सकता है, अगर ये गैप 740 वाला गैप फिल कर दे, तो दो चीजें करना, अगर मैं ट्रेडर हूं उस हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि आपने ट्रेडिंग पोजीशंस ली हैं, 741 पर गैप है, वो गैप फिल होगा और उस गैप फिल होकर होने के बाद आप चेकआउट करना अपना, चाहे स्टॉप लॉस को जो है नजर में रखना। हालांकि आप ऐसा मत करना, आप ऐसा कीजिए अगर आप जो है फिलहाल कोई भी ट्रेड कर रहे हैं 718 के क्लोजिंग बेसिस पर ही आप स्टॉप लॉस लगाइए, अगर 740 का गैप फिल होने के बाद आपको देखे कि ये वीक हो रहा है वो, पर वो मुझे नहीं लगता आप उसे जज कर पाएंगे, तो अगर तो 741 का आपको लगता है कि आपके लिए रीजनेबल गेन है तो वहां पर बुक कर लेना, नहीं तो ये पोटेंशियल रखता है 770 तक जाने के लिए, वो अपर आपको ये देखना होगा कि आपका 718 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन्ड हो, आपकी बाइंग जो है ठीक है, मार्केट ने साथ दिया तो ये जो है चलेगा और इसे चलना चाहिए। इसके बाद बबलू गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, खैर गॉड ब्लेस यू एंड बिग थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर अस, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग भी जो है मोटिवेट करते रहा करें। माय क्वेश्चन इज, हमारा पैसा अब लगा हुआ है, होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा ये आपने पहले ही बता दिया था, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, एज आई एम ओके आपका आई थिंक कॉमेंट जो है
एक सेकंड आपको बने रहना होगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था बट आपका कमेंट जो है वो पूरा नहीं आया। खैर हाँ ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मंथली पैसा डालकर अक्यूमुलेट करें या वेट। सबसे पहले देखिए आपने स्टॉक्स की लिस्ट दी है, आप आपकी गाइडेंस है ये, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अब आपके जो है मैं एक बार देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ, देखिए इन्फोवेज 4500 के आसपास की आपकी बाइंग है, परफेक्ट बाइंग है। देखिए अब इन्फोसिस के, पार्डन मी, इन्फोएज के साथ ही कुछ ऐसा वैसा हो जाए जो हमें नहीं पता वो नहीं, मेरे लिए ये यहाँ से डबलर इजी है, और इवन डबल का भी जो है 50% और 10,000 तो मानकर चलिए, मेरे पास भी होल्डिंग है इसकी और मैंने आपको इसका जो है ऑलरेडी सब कुछ चीजें बताकर रखी हुई है। नहीं होगा वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आपकी आपकी प्रोफाइल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, बट एक फंड जो है एलोकेट जरूर कीजिए। तो इन्फोएज जो है आपकी बाइंग ठीक है, इसमें आपको जो अगर ऐड करना तो कुछ ऐड कीजिएगा 4,000 पर 3500 के हिसाब से, पर ज्यादा नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है ऐड कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। टीसीएस पे आप रेगुलर ऐड भी कर सकते हैं, टीसीएस आपका सही है। आईबुल पर बिल्कुल ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ऑलरेडी बाइंग है होल्ड कीजिए। जोमेटो पर आप जो है एवरेज एक बार करना, चाहे वो 70 पर करनी है, चाहे 80 पर करनी है, चाहे 90 पर करनी है, चाहे आपको लगता है स्टॉक 40-30 पर जा सकता है, केवल एक बार एवरेज करना, वो लेवल आप देख लो आपको कितना एवरेज करना है, चाहे दो बार। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो चाहे वो 100 शेयर जिन प्राइस पर लिया है उस प्राइस से ज्यादा पैसा लगा लेना, बट एक बार लगाइए, चाहे वो 70 पर लगाइए, 80 पर, जो भी, उसके बाद उसे छेड़ना मत, क्योंकि देखिए आपको बेसिकली पता नहीं है ये स्टॉक आगे क्या करेगा। प्री कॉल जो है एक ट्रेडिंग बेट मानकर चलिए, स्टॉक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लीजिए, सेल को आप ऐड कर सकते हैं और आपको और करना चाहिए, और सेल पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी आप लगा सकते हैं, हालांकि आपकी बाइंग बहुत अच्छी है 105 की, आप वो एक 150-140 वाले लेवल्स पर नहीं फंसे हुए हैं, तो 105 की लेवल्स की आपकी बाइंग अच्छी है, और सेल के ऊपर आप जो है एक ऐसा पैसा जो है जिस जो आपको जल्दी में नहीं चाहिए वो लगाकर जो है होल्ड कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, और सेल पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कीजिए, क्योंकि सेल मुझे लगता है 170-180 की जर्नी दिखाएगा, और यहाँ से बहुत बड़ा जो है अपसाइड उसमें पोटेंशियल है। मैं ये बैट नहीं कर रहा हूँ कि मेटल सेक्टर जो है खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट, मैं बस ये बैट कर रहा हूँ कि सेल का लास्ट टाइम का बॉटम जो था वो 30-40 रुपए के आसपास था, वहां से स्टॉक डबल हुआ, हालांकि 4 गुना हुआ था 150 के हिसाब से, बट यहाँ से भी उसमें पोटेंशियल बहुत है। और जहां तक मुझे पता है चैनल चेक के हिसाब से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टील इज वन ऑफ दी बेस्ट, रादर दी बेस्ट। अब उस हिसाब से अगर आपको कंपनी उस हिसाब से काम कर कर दे रही है, प्रोडक्ट चलेगा, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक्सपेक्टेशंस आए, इस पे आप पैसा और लगा सकते हैं जिसमें आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद राजीव जी कह रहे हैं कृपा के करके कोस्टल कॉर्पोरेशन के शॉर्ट टर्म व्यू टारगेट एंड सपोर्ट्स। देखिए कोस्टल कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स पर कोई टारगेट सपोर्ट्स नहीं होती हैं, मैं आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बाइंग वगैरह देख के मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए, बट मुझे नहीं लगता कोस्टल कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स जो हैं वो ये टारगेट और सपोर्ट्स के मोहताज हैं। बट खैर 230 के हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पर आप जो है, क्योंकि इसने पिछली बार अक्यूमुलेशन यहीं पर की है, 230-40 के लेकर 300 तक इसने अक्यूमुलेशन किया है पिछली बार, जब इसने पूरा 2021 तकरीबन तकरीबन वहां से काटा है, और 300 कुछ लेवल्स के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, 300 पर इसकी 200 डीएमए में फॉल करती है, तो दो किस्म की बात है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ इन जैसे स्टॉक्स पर प्रॉब्लमेटिक यही है कि इसमें एक तो वॉल्यूम का इश्यू आपको मिल सकता है, और ऊपर से जो है आप ये आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा कर जाएगा अगर आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो 240-50 जो है वो इसकी सपोर्ट है, तो स्टॉक जब ऊपर से 500 550 से नीचे गिरा है तो आपको ये चेक करना है कि विद वॉल्यूम गिरा है विदाउट वॉल्यूम गिरा है, क्या स्टॉक कह रहा है, आपने क्या थीसिस के हिसाब से बाय किया एंड ऑल दैट, आपने बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इतना वॉलेटाइल स्टॉक है। अब देखिए ना ये 3 दिन पहले इसने क्या किया है, इसका लो है 345 का और हाई है इसका 400 का, यानी कि 50-55 पॉइंट तो इसने यहीं से घुमा दिया, तो इस हिसाब से देखिए, और 300 इसका 200 डीएमए भी है, तो आप मानकर चलिए 300 इसका जो है सपोर्ट है इस वक्त, इस फिलहाल के तौर पर, और अपसाइड पोटेंशियल इसमें जो है 450-500 तक कहीं नहीं गया, बट वॉलिटेलिटी आप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप वॉलिटेलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए इन जैसे स्टॉक्स के ऊपर, अगर आपको स्टोरी नहीं पता होल्ड करना आपका उतना ही मुश्किल होगा, अल्टीमेटली क्या आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये फिर से रेंज में बैठ गया, और क्योंकि ये देखिए करेक्शन कहाँ से हुई है, तो ये मार्केट के बुल रन में चल गया, बट अगर करेक्शन आई आपको क्या इस इंडस्ट्री का पता है, इस स्टॉक का पता है,
वो सारी चीजें ठीक है ना। अब देखिए कोस्टल कॉर्पोरेशन को कौन जानता है एग्जाम्पल के तौर पर, और उसका कंपैरिजन कीजिए आप टीसीएस, इन्फोएच, जोमाटो इन जैसी कंपनियों के साथ, उनका पता ठिकाना नहीं है। अगर मार्केट खराब हुई तो इन स्टॉक्स का सोचिए क्या होगा। तो ये देखने में अच्छे लगते हैं जब ये बढ़ते हैं, बट आपकी होल्डिंग कैपेसिटी आपको उस हिसाब से, जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं आपको ये सोचना है कि आप बाय क्यों कर रहे हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं कितना नहीं, वो आपको सोचकर ही काम करना है। खैर बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सपोर्ट मैंने आपको बता दी। उसके बाद चेतन कह रहे हैं मेरे पास 100 शेयर्स हैं इंडस टावर के, बाय किया है, स्टॉप लॉस क्या होगा शॉर्ट टर्म व्यू, और वोडाफोन ने इसका स्टेक जो है किया है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली आप जो कह रहे हैं इंडस टावर, देखिए इंडस टावर जो है ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है, ट्रेडिंग के लिए जो है स्टॉक नहीं है, इन्वेस्ट कर कर होल्ड कर सकते हैं, तो डिविडेंड पेइंग बहुत बहुत स्ट्रांग है इसका, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। स्टॉप लॉस देखिए इसका 200 क्लोजिंग बेसिस पर ही रहेगा, जो कि मुझे नहीं लगता जल्दबाजी में तोड़ने वाला है, बट इस स्टॉक को आप नजर में रखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत तगड़ा डिविडेंड है और आपकी बाइंग भी ठीक है, तो आप 200 के क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप रखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ ये ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है, और ये अपसाइड भी मुझे मुझे नहीं लगता जल्दबाजी में दिखाने वाला है। इसका फ्रेश जो है इसका बाय ट्रिगर होगा 250 255 के ऊपर, बट लास्ट टाइम भी हमने देखा था स्टॉक जो है इसके ऊपर स्टेक सेल भी एंड ऑल दैट जो भी है, बट ये ट्रेडेबल स्टॉक उस हिसाब से नहीं है। किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि देखिए 2020 के हिसाब से भी आप देखिए रेंज में फंसा हुआ है, 50-60 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है, और स्टॉक जो है इस किस्म का है, तो डिविडेंड पेइंग के हिसाब से एक सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ, जो स्टॉक बहुत ज्यादा बड़ा डिविडेंड देता है उस स्टॉक में आप रेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो कीजिए, इतने बड़े ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड शेयर ना कर पाए, क्योंकि बेसिक फंडा ये है जो इतना बड़ा बड़ा डिविडेंड देता है वो शायद जो है अपसाइड उतनी ज्यादा ना दे, वो धीरे 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 करके करके चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोल इंडिया देख लो, अंबुजा सीमेंट देख लो, ये वाला स्टॉक देख लो, तो जो बहुत बड़ा डिविडेंड देते हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये बड़े स्लो एंड स्टडी वाले स्टॉक्स होते हैं, उस किस्म का ट्रेडर माइंडसेट मत रखिए इनके ऊपर। खैर गोपाल यादव विद गुजरात गैस फॉल फर्दर, देखिए गुजरात गैस, एक सेकंड मैं चार्ट चेक देखता हूँ कि कितना जो है ये फॉल कितना किया है। गुजरात गैस विल फॉल फर्दर, देखिए टेक्निकली वीक है, और टेक्निकली ये पहले से वीक है, जब से इसने 650 तोड़ा है, सपोर्ट इसकी 510 के आसपास है, बट वही बात, ये जो पिछले 2-3 दिनों की फॉल आई है इसके ऊपर आप जज नहीं कर सकते हैं कि और फर्दर फॉल करेगा या नहीं, सपोर्ट इसकी 500-510 के आसपास है, तो इसे आप जज नहीं कर सकते हैं। जब तक स्टॉक 650-660 के ऊपर नहीं जाता स्टॉक जो है तब तक स्ट्रांग नहीं है। अभी कोई अगर बाय कर रहा है वो सिर्फ ये है कि बाय जो है मार्केट की वजह से या न्यूज की वजह से मार्केट टूटी है, और हम सब जो है जो इसमें बाय करने की कोशिश कर रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में, वो गुडी गुडी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन को शायद जो है बढ़िया सा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो अकॉर्डिंगली देखिए। क्यू क्यू पूछ रहे हैं, मेंबर भी हैं, 13 शेयर्स डिक्सन के ले रखे हैं, क्या करूं 20% लॉस है। देखिए वही बात, क्या करूं, देखिए डिक्सन जो है एक पोर्टफोलियो स्टॉक माना जा रहा है लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंड ऑल दैट, बट डिक्सन ने जो है एक रिवर्सल दिखाया है, और आपको याद होगा इसके रिगार्डिंग मैंने जो है डिस्कस ऑलरेडी चार्ट्स पर भी किया हुआ है, वहां भी मैंने ये लेवल्स डेफिनेटली डिस्कस किए होंगे, 39,4000 से वहां से रिवर्सल है, तो अगर आपके पास है रेट्स आपने नहीं बताए हैं 20% लॉस है हालांकि आपको, तो आप इसे होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस चाहिए तो इसने रिसेंट जो 39 कुछ का जो बॉटम बनाया 39 कुछ का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर आप इसे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से रिवर्स हुआ है, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है। हालांकि स्टॉक जिस हिसाब से भाग है एंड ऑल दैट, भैया इन जैसे स्टॉक से आपको डर लगना चाहिए, और बाकी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, बता दिया मैंने स्टॉप लॉस, अगर आपको 20% से डर लगता है तो आप स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा कर रखिए, फिर आप एग्जिट कर देना। फिलहाल के तौर पर केवल 20% देख कर मत एग्जिट करना, लेवल को देख कर एग्जिट करना, और इसलिए शायद मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि टेक्निकल सीखिए, जरूर सीखिए, और मीन वाइल खैर हाँ मीन वाइल एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये सभी के लिए है, कुछ लोग मुझे स्पेसिफिक एक दो जनों ने मुझे डीएम भी किया है कि फीस फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, माई स्टॉक मार्केट बाइबल की एंड ऑल दैट। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बार बार, मैंने एक चीज हमेशा सबको कही है
कि आप बताइए आपको कौन सी कितनी फीस लगता है, रीजनेबल है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नंबर दो, पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपको लर्निंग करनी है यूट्यूब पर, और ओवरऑल बहुत लर्निंग चीजें हैं, अपना वक्त लगाइए, आराम से सीखिए। स्टॉक मार्केट में मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं हमेशा ऑप्शंस को लिटरली बुरा क्यों कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं कि उसमें आपको ऐसा लगता है कि कम पैसे से आप बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, और यही मार्केट की प्रॉब्लम है। आप कम पैसे से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ये आप मान लीजिए, अब कई लोग मुझे ज्ञान देने आएंगे कि मैं 10,000 से जो है 10 लाख बना लूंगा। ओ भाई, 10 लाख कुछ वैल्यू नहीं होती है जिंदगी में। अब अगर आप ऐसा सोचें कि आपके पास है ही 10,000 रुपये और आप उसे 10 लाख, आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, तो भाई आपको मुबारक हो। 10 लाख से जिंदगी नहीं निकलती है, और एक स्पेसिफिक टाइम पर जो है वो, अब बेसिकली बात यह है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और ये सपने जो है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और जब आप उस करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो बाकी आपको ये समझिए। और नंबर दो, मेरे कोर्स में कोई वो जादू की छड़ी नहीं है, उसमें स्पेसिफिक तौर पर मुझे लगता है आपको क्लियर कट 2-4-5 चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूरी पता होनी चाहिए कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। बट ये ध्यान रखिए, छोटे पैसे से बहुत बड़ा पैसा नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है, बाकी आप माने या ना माने, तो ये ध्यान रखिए। तो अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, प्लीज समझिए, आपको जो है कोर्स सीख कर कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना आप पैसा लगाकर स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, और बेसिकली आप डरते रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभिनव कह रहे हैं, हाय ईशान भाई, थैंक यू, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। आई वॉन्ट टू नो, आई हैव फ्यू शेयर्स ऑफ MGL, व्हाट विल बी द गुड प्राइस टू एवरेज, टाइम होराइजन 3 to 4 ईयर्स, योर व्यूज ऑन हेडलबर्ग सीमेंट, इज इट वन ऑफ द अंडरवैल्यूड स्टॉक्स एट करंट प्राइस। अंडरवैल्यू नहीं कहूंगा यार, हाइडलबर्ग भी, मैंने अभी आपको बताया ना, डिविडेंड पेइंग स्टोरीज एंड ऑल दैट, हाइडलबर्ग भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देता है, तो वो इतनी जल्दबाजी में नहीं भागने वाला, वो अलग किस्म का स्टॉक है, लेकर आपको मजे पूरे दिलाएगा, बट आपके पास उतना फंड एलोकेशन उस हिसाब से होना चाहिए, तो डिविडेंड पेइंग स्टोरी है वो। MGL पर मैं आपको बताऊं, गैस सेक्टर के ऊपर ओवरऑल, मैं गलत हो जाऊं फ्यूचर में मुझे नहीं पता, बट फ्यूचर में आपको गैस सेक्टर बहुत स्पेशल दिखेगा। MGL जो है आप सिप की फॉर्म में रखिए, उसमें ऐसे प्राइस वाइज एवरेज मत कीजिए, आप सिप की फॉर्म में लगाकर रखिए, आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देगा, बट आपको सिप की फॉर्म में रखना होगा, और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जयदीप ओझा जी कह रहे हैं, चार्ट चेक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हैप्पीएस्ट माइंड। यार मेरे, मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे चार्ट चेक करने से आपको फायदा नहीं होने वाला, आपकी जो है आपकी ट्रेड के ऊपर आपको फायदा होने वाला है, बट स्टिल मैं चार्ट चेक, स्टॉक नेगेटिव है, और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, स्टॉक का ऑलरेडी स्टॉप लॉस जो है वो बहुत पहले ट्रिगर हो चुका है, अभी तो फिलहाल चार्ट चेक कहता है कि नेगेटिव है। मोहम्मद 881 कह रहे हैं, कैन आई बाय कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम विच इज 65 फॉर द मीडियम, फॉर मीडियम टर्म। देखिए मीडियम टर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखिए, अपने टेक्निकल्स के हिसाब से बाय कीजिए। योर व्यू ऑन अडानी विल्मर, अडानी विल्मर के ऊपर मैंने आईपीओ पर भी आपको व्यू दिया था, शॉर्ट्स बनाकर व्यू भी दिया था, डेली वीडियोस पर व्यू भी दिया था। सिंपल सी बात है यार, आप उसका ब्रांड देखो, उसे ओन करना चाहते हैं तो रेट्स मायने नहीं रखता, अगर रेट्स मायने रखते हैं, आपको टाइमिंग मायने रखती है, तो टेक्निकल के हिसाब से देखिए, टेक्निकल उसका पॉजिटिव है, 280-290 का कुछ स्टॉप लॉस बैठता है उसमें। कैन इट रेप्लीकेट द सक्सेस ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस, यस व्हाई नॉट, आई हैड एक्चुअली बॉट अडानी एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग कोरोना क्रैश एट 200 इन ह्यूज क्वांटिटी एंड सोल्ड द सेम एट 220, इट्स माई बिगेस्ट रिग्रेट टिल नाउ। देखिए बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बट वो इतना शॉर्ट टाइम में नहीं करने वाला, उसमें एक लॉन्ग टर्म पिक्चर सोचकर देखिए कि आप उसका ब्रांड ब्रांड होल्ड करना चाहते हैं नहीं, और फिर आप डिसाइड कीजिए। जसनीत दुआ कह रहे हैं, और मीनवाइल मैंने इस चीज के बारे में, अडानी विल्मार के बारे में आईपीओ पे टाइम पर भी बताया था, उसके बाद भी बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा, शॉर्ट्स वाले चैनल पर इसका विल्मार का वीडियो अभी भी पड़ा हो, अभी भी पड़ा नहीं होगा, ऑलरेडी है वहां पर, आप खैर अभी उसे देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिकली वहां पर भी यही बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर इस ब्रांड को आप ओन करना चाहते हैं तो ही बाय कीजिए। नहीं तो एक चीज और आप कर सकते हैं, इसे अपनी वॉच लिस्ट पर रखिए, ठीक है, कभी भी कोई भी गंदी खतरनाक बुरी वाली खबर आई इसके ऊपर, उस वक्त अपना दिमाग की घंटी ऑन रखना, और तब जो है बाय करने की हिम्मत कर लेना, आपको रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। जसनीत दुआ जी कह रहे हैं, प्लीज गिव योर मोबाइल ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट, आई हैड अ गिवन बिग करेक्शन फ्रॉम 190 टू 100, कैन बी एड, एड उड मत करना यार, इतने ही खतरनाक बात, इतना सब कुछ आपको एड क्यों करना है। इंडिया बुल, मैं एक बार चार्ट चेक भी देख लेता हूँ, एक बार मैं चार्ट चेक जरूर देखूंगा, इंडिया बुल रियल एस्टेट जी, तो चार्ट चेक ये कह रहा है कि भैया इसकी सपोर्ट जो है वो 73 पर है, एक्चुअली यहाँ पर भी
सपोर्ट देखिए, ऐड करने की कोशिश मत करना जब अनलेस अनटिल आपको स्टोरी पता है, कुछ पता है। पिछली बार भी जो मैं तो यही कहूंगा, इससे इसमें ऐड नहीं करना। अगर आपने अभी ऐड करना है ऐसा कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप अभी ऐड करते हैं 100 पर तो भी आपको 73 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। या आप एक और चीज कीजिए, चलिए मैं आपको बेस्ट सूटेबल बताता हूँ। इसने 99 का बॉटम लगाया है रिसेंटली, तो उस बॉटम के हिसाब से जो बाय करना है, जितना बाय करना है, जैसे बाय करना है कर लो, उसका स्टॉप लॉस लगा लो 99 का। अगर ट्रिगर हो गया तो एग्जिट कर देना, जो भी आप नई क्वांटिटी ऐड करोगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि एक्चुअल सपोर्ट इसकी जो है 70-75 के आसपास है। अब उससे पहले घूमा है क्योंकि न्यूज की वजह से गिरा है, क्योंकि ये स्टॉक तो नेगेटिव था। अब इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने माई स्टॉक मार्केट बाइबल लिया होता और इसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते, तो आपने 90-100 वाले रेट्स पर इसे बाय किया होता लास्ट टाइम, और ना ना करके भी आप जो है 150 कुछ पे निकल जाते। अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन होता तो भी, अगर आप तो आपने बाइंग बहुत पहले की होती, तो भी ना ना करते आप इजीली जो है 140 के आसपास निकल जाते। तो ये सिंपल सा फंडा है। अभी आपने जो करना है वो मैंने स्टॉप लॉस आपको बता दिया, आप उस अकॉर्डिंगली करो, नहीं तो सपोर्ट लेवल से नहीं है। और ये ऐसा स्टॉक भी नहीं है जिसे मैं बिना देखे या बिना आप सोचे जो है ऐसे एवरेजिंग शुरू कर दूं। मैं आईटीसी तो खैर बहुत अच्छा स्टॉक हो गया कंपैरेटिवली। कौन सा स्टॉक, मैं नौकरी के ऊपर एवरेज कर सकता हूँ, इन जैसे स्टॉक्स के ऊपर एवरेज नहीं कर सकता। क्योंकि बेसिकली समझिए, नौकरी का बिजनेस और उसका माइंडसेट अलग होगा, और जब आप इन रियल एस्टेट की बात कर रहे हो एंड ऑल दैट, यार डीएलएफ ले लो इससे अच्छा, क्योंकि रिस्क तो उसमें भी अभी 400-300 वाले लेवल्स पे, उस पर भी उतना ही रहेगा। और ये और उस पर एटलीस्ट जो है, और काफी फैक्टर्स काउंट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको अपना व्यू दे दिया, अपने हिसाब से कर सकते हैं बाकी का। इसके बाद इन सिगांची आई हैव पोजीशंस इन 47% लॉस, व्हाट शुड आई डू? यार एवरेजिंग नहीं करना, मैं हमेशा आपको कहता हूं कोई भी ट्रेड पर अपनी एवरेजिंग नहीं करने का। अब आपको जबरदस्ती करनी है तो आपकी मर्जी है। अंकित कह रहे हैं शान यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। इन द स्टावर पर रवि जी व्यू मांग रहे हैं, ऑलरेडी मैंने दे दिया है। और हाँ, डिविडेंड वगैरह अच्छा आता है, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में छोटा सा जो है अपना बाइंग कर कर रखिए, मजा आएगा। साई प्रवीण कह रहे हैं आई हैव यूनाइटेड स्पिरिट्स इन माय कोर पोर्टफोलियो, योर व्यू? यार योर व्यू, मेरा व्यू क्लियर है, मैंने हमेशा बोला है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और मैंने रिसेंटली लास्ट हफ्ते ट्वीट भी किया था कि यूनाइटेड स्पिरिट्स ने जो है अपने साथ जस्टिफाई नहीं किया वो प्राइस में। मैं आज भी मानता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्राइस यहाँ से 3-4-5 गुना ज्यादा हो सकता है या होना चाहिए। आप देखिए कंजम्पशन, लिकर की कंजम्पशन, लॉकडाउन में देखा आपने क्या हुआ एंड क्या हो सकता था एंड ऑल दैट, तो भाई इसमें पोटेंशियल बहुत हाई है। और सिंह स्टॉक है, आपको लेकर रख लेना चाहिए। हाँ, इसने जस्टिफाई नहीं किया वो बात और है। खैर, सम्राज जी कह रहे हैं बॉटम वेयर इट इज, दिस पुल्स अप, इट इज अ ट्रैप टू ड्राइव मोर। देखिए बॉटम कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर बनता है, सपोर्ट कहाँ है क्या नहीं। आप मेंबर भी हैं तो आपको निफ्टी का एनालिसिस मिल जाएगा, उसमें चेकआउट कर लेना क्या रेंज है, कहाँ तक रेंज है, ट्रेडेबल लेवल्स क्या है, कि अब जो है हायर लोस की जो है रिजीम शुरू हो रही है एंड ऑल, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आप निफ्टी का एनालिसिस जो है उसे देख लेना। वरुण जी कह रहे हैं आईओसी लॉन्ग टर्म के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा स्टॉक लो जो आपको आईओसी, देखिए डिविडेंड स्टोरी है, बट आईओसी देखिए ना यार, एक तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक तो इस किस्म का जो है बिजनेस फ्यूचर में कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं, वहां पर दिक्कत, ऊपर से गवर्नमेंट का दिक्कत, ऊपर से मतलब बेसिकली बहुत दिक्कत है, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कीजिए इसे। हरीश कह रहे हैं मेरे पास TWL है, नेटवर्क 18 है, भाव वगैरह बताए हुए हैं, क्या करें, होल्ड या सेल? देखिए सिंपल सी बात है, आप अपने टेक्निकल्स देखिए, मेरे बताने से आप क्यों बाय या सेल करेंगे? आपने देखिए, आपने ऑलरेडी बाय किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए मैं आपको आपको बताता हूँ, TWL ठीक है, यानी कि टीटागढ़ वैगन्स, ठीक है। अब टीटागढ़ वैगन्स ऑलरेडी स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा चुका है, और आपने बाइंग क्यों की है मुझे नहीं पता। उसके बाद आपका एक और कौन सा स्टॉक था, आपका स्टॉक था TWL के अलावा नेटवर्क 18। हालांकि नेटवर्क 18 जो है, एक सेकेंड, मैं नेटवर्क 18 भी टेक्निकली देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रेडेबल उस हिसाब से देखना चाहिए। नेटवर्क 18 का स्टॉप लॉस अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है, तो 65-70 वाले लेवल्स पर नजर रखना, वो इसके स्टॉप लॉसेस हैं, तब तक इसे आप होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो।
अगर आप होराइजन कुछ पूछ रहे हैं अकॉर्डिंगली, तो TWL नेगेटिव भी है, वीक भी है, और नेटवर्क 18 ने अपना स्टॉप लॉसेस स्टिल बचा लिए हैं। इसके ऊपर आप नजर भी रख सकते हैं, और पॉसिबली ये जो है एक अच्छा स्टॉक आपके लिए बाइंग के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमें जैसे टीम पार्टी की ज्यादा नंबर नहीं देना। टेक केयर, बाय।